हरा धनिया, गार्लिक। अब हम मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे, कम या ज़्यादा, क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली है तो लाल मिर्च बहुत थोड़ी सी। और यहाँ पर मैंने ले लिया है जीरा पाउडर। मैं इसमें डाल रही हूँ घी 1 चम्मच। आपके पास कोई भी वुड प्रेस्ड ऑयल हो, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, तिल का तेल, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबको मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक पेस्ट तैयार करेंगे। पानी एकदम से हम ज़्यादा नहीं डालेंगे इसमें। अब धीरे धीरे पानी डालने से जितना पानी है जवार सोक करेगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें, देखिए पहले ये आटा जैसे बन गया, अब पानी और मिलाएंगे। हमें इसे चीले के बैटर की तरह बनाना है। देखिए इसे अच्छे से ऐसे मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें जो भी लम्स हैं वो ना रहें। देखिए इसमें पानी हम और मिलाएंगे। इसमें मैंने आधा आधा कप पानी और मिलाया है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। अभी तैयार हो गया चीला बनाने के लिए, तो आइए शुरू करते हैं चीले बनाने। यहाँ पर मैंने एक नॉनस्टिक तवा ले लिया, इसे हम थोड़ा सा ग्रीस करेंगे और अब हम यहाँ पर डाल देंगे बैटर। एक साइड से देखिए ये पक गया है, इससे कलर देखिए चेंज हो गया है, ड्राई हो गया ऊपर से। अब हम इसमें यहाँ पर थोड़ा सा और लेंगे, बहुत थोड़ा सा। और अब हम इसे पलट लेंगे। दोनों साइड से हम इसे क्रिस्पी होने देंगे। दोनों साइड से ही क्रिस्पी हो गए, आइए इसे सर्व कर लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया सपना।
देखिए जिस तरीके से हमने ये बैटर बनाया है, इसे बहुत ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही शेप ले लिया है इसने। ज्वार के जो हम चीटे बना रहे हैं, ये ग्लूटन फ्री ग्रेन है, इसे अपने डाइट में आप शामिल करें। और देखिए ये जो हमने बैटर बनाया है, इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे बनाकर 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं, दोनों साइड से अच्छे से बन गया है। अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। बनकर तैयार हो गए हमारे ज्वार के चीले, अब हम इन्हें सर्व करेंगे दही के साथ या किसी भी अपनी पसंद की चटनी के साथ आप इसे खा सकते हैं।